फ्रेंड, कैसे हो आप? आई होप आप ठीक होंगे। जयमा और टैरो में गाइस स्वागत है आपका। जयमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जयमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है आज आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं, यानी कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग। ये रीडिंग जो है ही शी सेम जेंडर सबके लिए है, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जितनी रेजोनेट करे रख लेना, अदरवाइज आप और किसी रीडिंग पे जा सकते हो। मैरिड अनमैरिड सभी लोग देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये टाइमलेस है, टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। जब भी ये वीडियो आपके पास आए आप तब देख सकते हो, और कभी भी चेक करके इसको देख सकते हो। तो देखते हैं जिस पर्सन के लिए आप इतने परेशान हो, जिसके लिए मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, मंदिर जाके दुआएं भी मांगते हो, उसके मन में आपके लिए क्या है? वो पर्सन क्या आपको उतना ही प्यार करते हैं? क्या आपके लिए उतने सीरियस हैं, तवज्जो देते हैं आपको, या सामने ही तवज्जो देते हैं, पीठ पीछे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता? आइए, चीजें इस डिवाइन टैरो में क्लियर होगी। तो देखते हैं डिवाइन टैरो आज आपके लिए क्या कार्ड लेके आने वाले हैं। बुर पई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जयकार, मंदिर विच आरती जय माँ। जी हाँ, माता के नवरात्रे हैं। कमेंट बॉक्स में कुछ और लिखो ना लिखो, जय माता जी जरूर लिखा कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही जय माता हुआ है। क्योंकि मैं पूजा मैं माता की करती हूँ, तो इसलिए मैंने बचपन से माता की पूजा की है, और मैंने अपने चैनल का नाम भी जय माता रखा है। मेरा मानना है जिसके सिर पे माँ का साया है, उसे किसी चीज की कमी नहीं है, चाहे वो धरती वाली माँ हो चाहे गोड वाली। चलिए, फर्स्ट कार्ड। टू ऑफ वॉन्ड्स, क्या किस्मत पाई है आपने? किंग ऑफ कप्स, क्या क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। स्टार, इस कार्ड पे तो जय माता दी बनता है। कमेंट बॉक्स में पेज ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ वॉन्ड्स के बाद आया पेज ऑफ पेंटिकल, द स्टार, फोर ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल। नाइन ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल।
गाइस यहाँ चारों साइन आए हुए हैं, अर्थ साइन भी है, एयर साइन भी है, फायर साइन भी है और वाटर साइन भी है। तो जहाँ तक मैं कहूँ वाटर साइन बहुत कम है, तो इसलिए ये 12 राशियों के कार्ड है। वैसे तो जनरल रीडिंग में ये कुछ मायने नहीं देते, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कुछ नंबर है, देखते हैं इम्पोर्टेंट्स है आपके और आपके पर्सन की चहेते नंबर, यानी कि लाइफ में जो तो सबसे इम्पोर्टेंट्स होता है। टू ऑफ टू, फाइव, फोर, 15, 9, 13, 18 और 12। गाइस इसमें फोर ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है क्योंकि फोर नंबर के दो कार्ड आए हैं, तो आप देख लीजिए हो सकता है इन नंबर्स में आपकी कोई पर्सनल ऐसी यादें हों, इस डेट पे आप घूमने गए हों, या आपकी पहली मुलाकात हो, या जैसे कि मैंने कहा कि 14 नंबर कभी उन्होंने सबसे पहले आपको वैलेंटाइन डे विश किया हो, प्रपोज भी किया हो, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग आपके पर्सन की करंट फीलिंग। तो गाइस सबसे पहले मैं बता दूं आपके पर्सन जो है, कुछ लोगों के पर्सन उनसे एज से ठीक ठाक एज में मतलब छोटे हैं और कुछ के बड़े हैं। ये पर्सन जो है भोले भाले हैं, लेकिन जो पर्सन बड़े हैं वो छुपे रुस्तम हैं। उनको आपके जो पर्सन हैं ये चीज़ों को सीरियसली लेने वालों में से हैं, यानी कि अपनी पूरी ये बंदे फीलिंग नहीं छुपाते, ये अपनी फीलिंग नहीं छुपा सॉरी गलती ये फीलिंग अपनी छुपाते हैं, सामने पूरी तरह बातें नहीं लेके आते। इस वजह से आप परेशान रहते हो, क्योंकि ये पर्सन जब तक चीज़ों की पूरी तरह क्लैरिटी नहीं मिलती, ये चीज़ों को आपके सामने रखना ज़रूरी नहीं समझते। जैसे होता है ना कि पहले बता दूंगा तो फिर बाद में चीज़ें खराब हो जाएंगी, तो फिर रिश्ता और ज़्यादा खराब हो जाएगा। इन चीज़ों को ये समझते हैं, लेकिन ये पर्सन जो है आपसे गाइस प्यार बहुत करते हैं। ये किंग ऑफ कप्स का जो कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का, ये बताता है कि ये पर्सन भले ही लड़ते हैं झगड़ते हैं, लेकिन आपसे प्यार बहुत करते हैं। इनके अंदर आपके लिए दिली हमदर्दी है, दिली प्यार है, लेकिन आप लोगों के रिश्तों में इन्वॉल्वमेंट है थर्ड पार्टी का, और वो जो है यहाँ सिर्फ एक फैमिली नज़र आ रही है, एक उनका कोई क्रश नज़र आ रहा है। इन्वॉल्वमेंट है एक से ज़्यादा लोगों का, हो सकता है उनके यार दोस्तों, और हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन की जो फैमिली है झगड़ालू किस्म की फैमिली है, उलझने बहुत रहती है इनके दिमाग में, दिल और दिमाग में हमेशा आपके और आपके रिश्ते को लेके उलझने रहती है। लेकिन इस पर्सन की जो इंटेंशन है वो आपके लिए गलत नहीं है। जब आप दोनों ये आपके बगैर इस टाइम द डेविल का कार्ड बताता है, हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक भी कर रखा हो, लेकिन ये पर्सन आपको मिस बहुत करते हैं। सपनों में भी इनको आप ही दिखते हो, ऑनलाइन स्टॉक भी करते हैं, हो सकता है सिटी या स्टेट से दूर हो, इनको आपकी याद ज़्यादा आती है इसलिए ये ऑनलाइन आपको करते हैं स्टॉक। लेकिन गाइस ये अपने आप को आपसे अकेला बहुत फील करते हैं, जब आप पास नहीं होते इनको अकेलापन बहुत लगता है। ये चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में आना, आपके साथ वो सारी प्यारी प्यारी बातें जो इनका मन करता है, लेकिन दूरियां बनी हुई हैं। दूरियां जो बना रखी है वो ऐसी दूरियां नहीं है सेपरेशन वाली, इस पर्सन ने अपने अंदर डर सा रखा हुआ है अपनी फैमिली का। कहीं ना कहीं जब ज़्यादा करीब आते हैं या आने की सोचते हैं तो एक झटका इनके मन में है थर्ड पार्टी का, कि रिश्ता खराब हो गया तो फिर चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी। लेकिन मैं एक बात बता दूं, ये अपनी फीलिंग बोले इसलिए ये पर्सन आगे चीज़ें ले जाने से आपको पूरी फीलिंग बताने में ये बंदा रुक जाता है। चाहता तो है, दिल तो चाहता है,
लेकिन इनके पैर उठते नहीं, ईश्वर के आगे प्रे करते हैं, देखिए मैनिफेस्ट करते हैं, ये हीलिंग प्रोसेस में है, हीलिंग करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं और ईश्वर से ये कहते हैं कि कोई ज़िंदगी में मिराकल कर दो, कोई सुनहरा अवसर दे दो या चीज़ें ऐसी कर दो कि जो कभी ख़राब हो ना। तो वो गाइस कैसी ना ख़राब होगी, उसका एक ही है, मैरिज। मैरिज देखिए दो कार्ड आपके आए हैं किस चीज़ के, ट्विन फ्लेम कनेक्शन के, किंग ऑफ कप्स और साथ में आया फोर ऑफ वैंड्स, इलेवन इलेवन सेलिब्रेशन का कार्ड, कि कहीं ना कहीं आप लोग इमोशनली अटैच हो और आप लोगों का ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है। इस बात को ये पर्सन अच्छी तरह जानते हैं कि जहां आप ये क्लैरिटी नहीं देते, जहां चीज़ों को आगे नहीं ले जाते, जहां वहीं के वहीं रुके पड़े हैं, इस चीज़ से आप बहुत परेशान हो। ये गाइस आपकी एनर्जी है और मुझे लगता है कभी कभी आप इतने होपलेस होते हो, अंदर से पछताते हो कि ये पर्सन से मैंने लव करके अपना दिल दे के अपने दिल के हाथों में मजबूर हो गई, मुझे ये दिन देखना पड़ा, जरूर सोचते हो गए जब ये इंसान आपको क्लैरिटी नहीं देता होगा। लेकिन ये पर्सन के दिल और दिमाग में उलझने हैं, ये आना चाहता है लेकिन आ नहीं रख सकता, लेकिन इस पर्सन की जो इंटेंशन है आपको ऐसी है कि पूरी तरह एक होता है कि अच्छी वाली, सच्ची वाली, ट्रू वाली, लेकिन ये इसकी सीक्रेट, एक किस्म की कह सकते हैं कि सीक्रेट फीलिंग है कि ये पूरी बातें आपको नहीं बताते, ये चाहते हैं आपकी तरफ आ नहीं सकते। इस पर्सन का ध्यान जो है सिर्फ आपकी तरफ है और ये चाहता है कि अगर आपके साथ लाइफ में आऊं तो एक लंबे समय तक रिश्ता चले, और वो रिश्ता कैसे चलेगा इस चीज़ को ये अच्छी तरह जानते हैं, सेलिब्रेशन से, मैरिज से। लेकिन ये डरते हैं क्योंकि इनके दिल दिमाग में उलझने हैं जो इनके रिश्ते को ख़राब करने वाले हैं, जो इसके आप तो सपोर्ट देते हो और सब सपोर्ट को वो ख़राब करते हैं और सब उस रिश्ते को ख़राब करते हैं। ये पर्सन आपसे इमोशनली अटैच है लेकिन रिश्ते को संभालने में लगे हुए हैं, क्योंकि आपके पर्सन के जहाँ आपके पर्सन का बैठना उठना है, जहाँ रहना है, जहाँ रिलेटिव है, जहाँ फैमिली है, ये कार्ड बताता है कि पूरी तरह झगड़ालू किस्म के लोग हैं और झगड़ा करना इनका नित नियम का काम है। जो होते ना वो झगड़े वाले, जिनको क्या होता है कि एक दिन ना हो तो ऐसे लगता है कि खाली खाली गया, वो ऐसी ऐसे लोकेशन के अंदर ऐसे लोगों के साथ इनका रहन सहन है, इसीलिए ये पर्सन हर वक्त कुछ ना कुछ दिमाग में सोचते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ नहीं पाते, दिल की बातें दिल में दबा के बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी जो चाहत हो आप हो। अगर आपके पर्सन की किसी और क्रश की तरफ ध्यान है तो अब इनका ध्यान उसमें नहीं है, क्योंकि वो जो इनका क्रश है वो इनसे दिल से नहीं, खूंखार कहते हैं ना, वो सुनने वाला इनका नहीं है। अब ये आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन रुके हुए हैं और एक वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। ये स्टार का कार्ड बताता है कि बैलेंस बनाना चाहते हैं, हीलिंग प्रोसेस में है और एक सुनहरे अवसर का इंतज़ार कर रहे हैं जो लाइफ में आए और चीज़ें एकदम सेटल हो जाए। गाइस ये पर्सन जो है प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन वक्त अभी इनके फेवर में नहीं है। ये जानते हैं आप दुखी हो, ये जानते हैं कि जब चीज़ें मैं छुपाता हूँ आप परेशान होते हो, ये भी जानते हैं कि जब चीज़ें क्लियर नहीं होती तो आप तब भी दुखी होते हो, लेकिन ये आपसे ज़्यादा, एक अच्छा पर्सन क्या होता है जो आपसे ज़्यादा अपने रिश्ते से प्यार करे, तो ये पर्सन वैसे ही है, ये आपसे ज़्यादा अपने रिश्ते से प्यार करते हैं, इसलिए आपको अभी कुछ नहीं बता सकते क्योंकि ये चाहते हैं पहले बताने से रिश्ता बनते बनते रुक जाएगा। ये देखिए डेविल का कार्ड है बॉटम में, इस टाइम इस बंदे की कंडीशन ऐसी है कि हो सकता है इसको किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा हो और ये आपके साथ एक कपल जैसी लाइफ, इनको आपकी याद आती है, आपकी आंखें याद आती है, आपके साथ बिताए हुए वो लम्हे याद आते हैं जो इनके सबसे ज़्यादा क्लोज हैं।
नीचे का कार्ड देखिए, नीचे का कार्ड है किसी और के प्रपोजल को ये एक्सेप्ट करने वाले नहीं है, थोड़े गुस्याले हैं, थोड़े अकड़ू हैं, पर ये किसी और के एक्सेप्ट करने वाले नहीं है। रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं, सोच रहे हैं रिश्ते में ग्रोथ करने कि रिश्ता सोच समझ के आगे बढ़ाया जाए और रिश्ते में ग्रोथ हो। तो चलिए मैं एक ये कार्ड निकालती हूँ, देखती हूँ कि आपके पर्सन जो हैं इनकी फीलिंग तो अच्छी है, इनके रास्ताएं रास्ते में बाधाएं बहुत है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि इनकी जो फैमिली है या इनके आसपास का जो माहौल है, इनको अपने घर का या उन लोगों का पता है। जरूरी नहीं फैमिली के होते हैं, दूर दूर के रिश्तेदार भी होते हैं जो किसी को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। आपको पता है टाइम ऐसा चल रहा है गाइस, कोई अपने दुखों से दुखी नहीं है, औरों की खुशियों से दुखी है, पर क्या करें समाज छोड़ा नहीं जा सकता। चलिए देखते हैं, दूरी हो सकता है कुछ टाइम के लिए। तीन कार्ड निकालती हूँ, देखती हूँ आपका भाग्य कहाँ तक, 21, 22 और 23। बाई गाइज 23 में ये आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रही है, 21 में ये अपने दिल से सोचेंगे, समझेंगे, इंट्यूशन से काम लेंगे और आपकी तरफ बढ़ने की सोचेंगे। 2 में आ रहा है कि इनके आसपास वो पर्सन जो इनको परेशान करते हैं, जब ये आगे बढ़ेंगे तो उनको इनको धक्का देंगे, इनको मतलब रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन चाहते हुए ना चाहते हुए भी ये आपकी सुनेंगे, अपने दिल की सुनेंगे और आपकी तरफ बढ़ते आएंगे। तो चलिए देखते हैं, इस कार्ड के लिए लाइक शेयर बनता है। चलिए देखती हूँ मैं कि आपके पर्सन क्या तो हो गया। अब आपके लिए डिवाइन बताइए, ये जो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर हैं इनके लिए एक ऐसा कार्ड निकालिए कि इनकी जो ये 9 of Swords की एनर्जी है ये 2 of Cups में आ जाए। बताइए इनके लिए क्या करना चाहिए इनको, कि जो इनका दिल इतना दुखी रहता है, ये कभी कभी अपने ऊपर भी पछताते हैं कि ऐसे बंदे के साथ या बंदी के साथ क्यों क्लोज आए। तो चलिए गाइज, अगर आपको पाइल वाली रीडिंग चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना मुझे, मैं देखूंगी और डालने की सोचूंगी। चलिए ये कार्ड निकाल दिया मैंने, लीजिए गाइस। जय माता की जरूर लिखना, क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी आई है। तो गाइस डिवाइन ने क्या कहा है, ये जोड़ी बनी है, ये आपकी जोड़ी बनी हुई है, नेगेटिव जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे और साफ सच्चे दिल के इंसान हो, तभी सामने वाले के लिए लॉयल और ट्रस्टवादी हो। तो आपको क्या करना है, अपना इंतज़ार अब सोचो कि ख़त्म होने वाला है, साल नेक्स्ट ईयर ही हो सकता है आपको उनका फ़ोन कॉल मैसेज या चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आए। तो इसलिए आपको नेगेटिव एनर्जी से निकल कर पॉजिटिव एनर्जी में जाना होगा, और उसके लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ी सी मेडिटेशन, जैसे आपके पर्सन कर रहे हैं मैनिफेस्ट, और क्या करना होगा, अपने आप को बिजी रखना होगा और सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट करनी होगी। जब ये चीज़ें आपके पास होंगी तो आपको अपना पर्सन देने से कोई नहीं रोक सकता। 99% की तो बात मेरी है, 100% ईश्वर की है। तो इसलिए नवरात्रों का दिन है, जय माता दी जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, और कुछ लिखो चाहे ना लिखो। तो ये थी आज की रीडिंग, आपके पर्सन की करंट फीलिंग। अगर ये वीडियो रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी।
जो बिल्कुल फ्री है। एक टच ही तो करना है। साथ में दबाइए बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का, नेक्स्ट रीडिंग का नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस जी और जय माता दी। और मुझे बताइएगा जरूर कि पाइल वाली रीडिंग आपको चाहिए, तो मैं पाइल वाली रीडिंग जरूर डालूंगी।